जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। सो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे जो कि काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है हिमाचल के एग्ज़ाम में। अभी दीपक सानन जी की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हिमाचल में जो है वो जल्द ही CET और CBT जो है वो स्टार्ट होने वाला है, किस प्रकार आपके पेपर वन पेपर टू के एग्ज़ाम रहेंगे। सबसे बड़ा चेंज जो है वो हिमाचल के डिफरेंट एग्ज़ाम में जो है वो आने वाला है। नया राज्य आयोग जो है उसका भी गठन हिमाचल में भी होना है। उसके बाद क्या सभी पोस्टों के लिए एक ही एग्ज़ाम पॉसिबल होगा, तो ये डिफरेंट जानकारी जो है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एक बार लाइक आप ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपके हिमाचल के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आज के सेशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो देखिए, सबसे पहले जो अभी हाल ही में जो है वो आप सभी जानते हैं, हिमाचल चयन आयोग जो है HPSSC हमीरपुर, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेपर की जो है वो धांधली पाई गई थी। पेपर जो है वो सरेआम वहाँ पर बिक गए थे। तो उसके बाद जो है वो जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, सुक्खू सरकार है, उसने राज्य आयोग को जो है वो सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद जो है वो दीपक सानन जी को एक नई रिपोर्ट बनाने के लिए कहा कि किस प्रकार से हम हिमाचल के एग्ज़ाम को एक नए सिरे से कंडक्ट करवा सकते हैं, ताकि धांधली ना हो, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो देखिए, अभी हाल ही में दीपक सानन जी की जो है वो पहली रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। एक फाइनल रिपोर्ट जो है उनकी अक्टूबर मंथ में जो है आनी है, उसके बाद ही हिमाचल का जितने भी एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से क्लैरिफाई हो पाएंगे। लेकिन अभी तक जो फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने दी है उससे सरकार जो है वो काफी ज्यादा खुश हुई है। अब देखिए, फर्स्ट रिपोर्ट में उन्होंने कहा क्या है, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हिमाचल में जो है वो एक नया कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, एक नया कमीशन जो है वो गठित होगा हिमाचल में, और जहां तक उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही जो है वो इसके बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि जो हिमाचल में जो है वो एक नया CET एग्ज़ाम जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद CBT टेस्ट जो है वो पॉसिबल हो, क्योंकि इससे जो है वो धांधली जो है वो कम हो जाएगी। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो यहाँ पे अप्रोच की गई है, और जो हमारे पहले OMR टेस्ट होते थे उनको यहाँ पे 101% जो है वो निगलेक्ट किया गया है। उसके बाद उनके द्वारा जो है वो एक नई फ्रेश रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर मंथ में यहाँ पर हिमाचल सरकार को दी जाएगी, उसके बाद ही कोई नया फैसला जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जब भी हमारा एग्ज़ाम अभी आएगा तो उसको उतना टाइम नहीं है आप सभी के पास कि आपको तैयारी करने के लिए 3 या 4 मंथ मिलेंगे। जल्दी ही हिमाचल का जो नया कमीशन है वो बनेगा क्लास 3 की भर्तियों के लिए, और जल्दी ही उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है वो टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी के लिए। तो आज से ही आप जो है वो तैयारी करना शुरू कर दें। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर के ऊपर भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंप्यूटर में जो है वो सबसे ज़्यादा कई बार डिफ़िकल्टी आती है। तो अब हम जो है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानेंगे कि ये CET और CBT है क्या। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं CET की बात करूं तो CET जो है वो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमारा जो है एक टाइप का एक पेपर 1 जो है वो आप इसको मान सकते हैं। देखिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, CET जो है वो क्या काम करेगा, वो हिमाचल के बच्चों को फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, फिल्टर इन द सेंस की जो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अगर हिमाचल में पटवारी की पोस्ट निकलती है तो मुझको भरूंगा, GO की निकलती है, क्लर्क की निकलती है, SI की निकलती है, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी की निकलती है, मैं सारी की सारी जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल में लगभग निकलते हैं वो हर कोई बच्चा जो है वो उनको भरता है। तो देखिए, सरकार के पास क्या होता है, एक प्रॉपर वे में एक डाटा नहीं हो पाता है कि कौन सा बच्चा किस पोस्ट के लिए जो है वो 101% एलिजिबल होगा। तो उन्होंने जो है वो एक CET टेस्ट जो है वो रख दिया। अब देखिए, इसके माध्यम से क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट को जो है वो CET देना पड़ेगा। कोई भी बच्चा है
उसको क्या देना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा। ये जो सीईटी है इसका एक क्राइटेरिया रख लिया जाएगा, जैसे कि जिसके 60% मार्क्स जो है अगर वो आते हैं उसका ये जो है टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी जो है वो एक साल के लिए बताई गई है। अगर देखिए अब इसके बाद क्या होगा, सीईटी जो है वो आपका एग्जाम हो गया, आपने उसको क्रैक कर लिया, तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब लग गई, नहीं, अब जो है वो आपकी निकलेंगी डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि मान के चलते हैं हिमाचल पुलिस में जो है वो आपकी क्या निकल गई, पोस्ट निकल गई, तो आप जो है वो उसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, आप हिमाचल पुलिस का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कोई एक और स्टूडेंट है उसका अभी सीईटी जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो हिमाचल में जितने भी पोस्टें निकलेंगी, चाहे वो हिमाचल पुलिस की हो, पटवारी की हो, वो किसी भी एग्जाम को फिल नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा टैट का एग्जाम रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये भी एक एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है। हरियाणा सरकार ने जो है वो सीईटी को लागू कर दिया है। हरियाणा पहला ऐसा भारत का राज्य जहां पर सीईटी जो है वो लागू हो चुका है। देखिए टैट में क्या होता है, अगर आप बीएड कर लेते हैं, ठीक है जी, अगर आपने बीएड कर ली, अब आपको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, तो टैट से कभी भी नौकरी नहीं मिलती, आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कमीशन तक जाने के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, टैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए अगर मेरा टैट क्लियर है तभी मैं कमीशन को फाइट कर सकता हूँ, तभी मैं कमीशन का पेपर भर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा टैट क्लियर नहीं है तो मैं कमीशन को फाइट नहीं कर सकता। तो ये चीज यहां पर बताई गई है कि अगर आपका सीईटी क्रैक हो जाता है तभी आप एग्जाम को भर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक सबसे डिसएडवांटेजेस भी यहां पे रखा गया है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। जैसे कि इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट में, ये बताया गया है कि सिर्फ एक साल में जो है वो एक ही बार जो है वो सीईटी का एग्जाम होगा। मान के चलते हैं कि जैन में, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझा रहा हूं, जैन में 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जैन 2024 में आपका सीईटी कंडक्ट करवाया गया। ये सीईटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डिफरेंट कॉलेज स्कूल की लैबों में आपसे ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। वन डे एग्जाम भी हो सकता है, अगर शिफ्ट में करवाना पड़ेगा तो मल्टीपल डेज भी जो है यहाँ पे लग सकते हैं। अब मान के चलते हैं आपका पूरा का पूरा जैन मंथ जो है वो आपका सीईटी एग्जाम में लग गया। अब फेब में जो है वो आपका क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब देखिए हुआ क्या, ऐसा एग्जांपल लेके मैं चलूं कि 1000 बच्चों ने जो है वो सीईटी का टेस्ट दिया था, इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि सीईटी टेस्ट आप सभी भर तो सकते हैं लेकिन पास वही होगा जिसने 60% नंबर ले लिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो अगर आपके 60 नंबर आते हैं तभी आप क्या होंगे, सीईटी को क्रैक कर पाएंगे। अब जब आपका रिजल्ट आया तो ऐसा मान के चलते हैं कि 1000 में से सिर्फ 200 बच्चों ने जो है वो इस सीईटी को क्या किया, पास किया। अब ये इनको क्या मिल गया, एक टाइप की एक सर्टिफिकेट मिल गया कि इन्होंने जो है वो सीईटी एग्जाम को पास किया है और इसकी वैलिडिटी क्या है, एक साल है। अब क्या हुआ कि अप्रैल के आसपास, मान के चलते हैं कि अप्रैल में जो है वो आपका नई भर्तियां जो है वो निकलना शुरू होगी, ठीक है, यहां पे मैं आपको बताता हूं, अप्रैल में डिफरेंट डिपार्टमेंट में भर्तियां निकली। आपका हमीरपुर बोर्ड जो है उसी जिस तरीके से भर्तियां निकालता है वैसा ही आपका नया आयोग जो है वो भर्तियां निकालेगा। जैसे कि हिमाचल पुलिस की भर्ती आपकी निकल गई, ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो पटवारी की भर्तियां भी यहाँ पे निकल गई, ठीक है, उसके बाद मान के चलते हैं पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती भी आपकी निकल गई। तो ये जो 200 बच्चा यहाँ पे सीईटी क्वालिफाइड हुआ है, सिर्फ यही 200 बच्चा जो है वो हिमाचल पुलिस के एग्जाम को भरेगा, पटवारी के एग्जाम को भरेगा और साथ में पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम को भरेगा। जो 800 बच्चे यहां पर फेल हुए हैं वो इन डिफरेंट एग्जाम को नहीं भर सकते। तो ये जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस आपके लिए रहने वाला है। सीईटी आपका पेपर वन होगा और उसके बाद जो आपका डिफरेंट एग्जाम रहने वाला है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, वो आपका पेपर टू होगा। तो ये नई स्कीम पेपर वन पेपर टू की जो है वो हिमाचल सरकार जो है वो आप सभी के लिए लेके आई है। तो देखिए पेपर वन जो है आप उसको सीईटी अभी बोल सकते हैं क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर में आनी है, उसके बाद ही आपको प्रॉपर पता चलेगा। लेकिन हिमाचल में कंफर्म है कि सीईटी सीबीटी होना कंपलसरी है, उसके बाद पेपर वन पेपर टू भी हिमाचल में जो है वो 101% श्योरिटी है कि होगा ही होगा। तो देखिए आपका जो पेपर वन है वो आपका
सीईटी एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। पेपर वन का सिलेबस जो है वो हिमाचल सरकार ने जो है वो घोषित कर दिया है। अब इसमें तो इसका जो सिलेबस है वो हिमाचल सरकार ने जो है वो पहले ही दे दिया है। तो पेपर वन जो है वो हमारा सीईटी एग्जाम रहेगा। पेपर वन का जो आपका सिलेबस है उसमें आपका सारा का सारा जीके, जिसमें आपका हिमाचल का, इंडिया का जीके रहेगा, उसके बाद स्टैटिक आपके इंटरनेशनल के क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर रहेगा। ये सारा जीके का पोर्शन जो है वो आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, जनरल इंग्लिश रहने वाली है, ये आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जनरल हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी, ये भी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें सीईटी का जो पास करने का क्राइटेरिया होगा वो आपका जो है वो कैटेगरी वाइज भी हो सकता है, जैसे कि 60 नंबर जो है वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए और 55 जो है वो अदर कैटेगरी के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हिमाचल सरकार जो है वो एक नया अपडेट ये भी ला सकती है कि सभी को जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर मिले, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती जो है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इसको बैन कर दिया। जो राज्य आयोग है, हमीरपुर चयन आयोग था, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो हिमाचल सरकार जो है वो दे सकती है। अब देखिए, ये सीईटी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब जो भी 60 नंबर यहाँ पर लेके आएगा, ये आपका पेपर वन है, जो भी 60 नंबर यहाँ पे लेकर आएगा उसके बाद पेपर टू में वो एंटर करेगा। अब हुआ क्या कि हिमाचल सरकार ने जो है वो हिमाचल पुलिस की भर्ती निकाल दी, उसके बाद हिमाचल पटवारी की भर्ती निकाल दी, उसके बाद मान के चलते हैं JOA की भर्ती निकाल दी। तो इसमें वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है वो सीईटी जो है वो क्या किया है, पास किया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिनके 60 नंबर हैं वही बच्चे यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन बच्चों ने ये जो सीईटी जिन्होंने पास किया है, अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर उनको ये जॉब मिल जाती है, पुलिस, पटवारी, JOA या फिर कोई भी पोस्ट अगर हिमाचल में निकलती है, अगर इनमें से कोई भी अगर एक जॉब अगर उनको मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर से उनका जो है वो सीईटी अमान्य हो जाएगा और नए सिरे से उनको जो है वो फिर से एक बार पेपर वन जो है वो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर एक हार्ड लेवल जो है वो हिमाचल सरकार आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आने वाली है। अब ये जो पेपर टू है, अभी इसका जो सिलेबस है वो डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर पेपर टू जो है उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो है वो आपके डिफरेंट ब्रांच के होंगे, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के होंगे। जैसे कि पुलिस का है तो ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड या फिर कोई भी धारा जो है लगाई जाती है उससे आपका एक जनरल नॉलेज उस डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। जैसे JOA है तो उसमें ज़्यादा मेजोरिटी आपकी जो 30 क्वेश्चन रहेंगे या फिर 50 क्वेश्चन की मेजोरिटी जो है वो आपकी उसी ब्रांच से रहेगी। जैसे JOA आपका कंप्यूटर बेस्ड या फिर कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम है तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि HRTC का आपका एग्जाम होगा तो उसमें ही रोड से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड या उस व्हीकल से रिलेटेड डिफरेंट जानकारी जो है वो आपके उस एग्जाम में जो है वो पूछी जाएगी। जैसे कि टीचिंग एग्जाम में आपकी एक टाइप की साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, वैसे ही पेपर टू में आपका 50 नंबर या फिर 30 नंबर का जो एक स्पेशल वेटेज है वो आपका उसी पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि सभी पोस्ट का एक ही एग्जाम रहने वाला है। सबसे पहले आपको जो है वो सीईटी एग्जाम देना होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, जिसको हम जो है वो पेपर वन के नाम से जानेंगे। उसके बाद आपका जो है वो पेपर टू होगा, ये आपका पोस्टों से रिलेटेड, आपका जॉब से रिलेटेड एग्जाम रहेगा। और पहला जो है आपका एग्जाम सीईटी एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन है, यानी कि सभी के लिए क्या है, सेम है। इसका मतलब सभी पोस्टों के लिए पहले आपका एक ही एग्जाम होगा, अगर आप पास कर गए तभी आपका अगला एग्जाम आप उस स्टेज में पहुंच पाएंगे। तो एक टाइप का सीईटी जो है वो क्या काम कर रहा है, एक फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, आपके उस नॉलेज को फिल्टर कर रहा है। अगर आप उसमें से पास हो गए, अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने जॉब ले ली तब आपके लिए ठीक है, नहीं तो सीईटी आपको फिर से देना पड़ेगा। डिफरेंट
अपडेशन जो है वो हिमाचल सरकार इसमें कर सकती है। पहले टैट जो था वो आपका 7 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब उसको लाइफ टाइम के लिए कर दिया। तो उसी प्रकार सीईटी जो है वो भी हमारा कुछ नया चेंज यहाँ पे लेकर आ सकता है। आई होप आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं। आप विजयपथ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिफरेंट हमारे पेड कोर्सेज फ्री कोर्सेज हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। पेपर वन पेपर टू के अकॉर्डिंग हमारी टेस्ट सीरीज रहेंगी। डिफरेंट हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारे इस स्टोर ऑप्शन के ऊपर जो है वो नोट्स डाले गए हैं, स्पेशली आर्मी जीडी से रिलेटेड। यहाँ पे 49 रुपीज में जो है वो 15 ओरिजिनल पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। सो डेली हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर के लिए आप हमारे न्यूज़पेपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली के डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही एक नए अपडेट के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपनी तैयारी दमदार रखें। जय हिंद, जय भारत।